ज्वालामुखी उपमंडल पुलिस ने नवंबर माह में कोविड नियमों की अवहेलना व मास्क न लगाने पर 316 चालान किए हैं, जिसमें 53,700 रुपए जुर्माना वसूला गया है। इसके साथ ही यातायात नियमों की अवहेलना करने पर पुलिस ने 2003 चालान किए हैं और 2,77,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। डीएसपी ज्वालामुखी तिलक राज ने सभी से सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ज्वालामुखी में पुलिस द्वारा मास्क न लगाने वालों, वहीं यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और उनके चालान काटे जा रहे हैं। डीएसपी ज्वालामुखी तिलक राज ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों का सभी लोग पालन करें। उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी के दुकानदार भी अपने कोविड टेस्ट करवाएं, क्योंकि वे ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दुकानदारों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की अपील की है। डीएसपी तिलकराज ने बताया कि ज्वालामुखी उपमंडल में कोरोना के केस कम हैं, लेकिन लापरवाही से ये केस बढ़ सकते हैं, इसलिए सभी को एहतियात बरतनी होगी और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि शादी विवाह में सिर्फ 50 लोग ही आ सकते हैं। यदि इन नियमों की अवहेलना की जाती है तो 5,000 रुपए का जुर्माना और 8 दिन की जेल भी हो सकती है। डीएसपी ने कहा कि ज्वालामुखी उपमंडल में नवंबर माह में कोविड नियमों की अवहेलना व मास्क न लगाने पर 316 चालान काटे गए हैं, जिसमें 53,700 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। यातायात नियमों की अवहेलना करने पर पुलिस ने 2,77,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। पिछले महीने जो हमारे मास्क को लेकर चलान हुए, जो लोग कोविड-19 की जो डायरेक्शन है उनका पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनके हमने पिछले महीने में नवंबर माह में 316 चालान किए हैं और इन चालानों के तहत हमने 53,700 रुपया फाइन वसूल किया है। और इसके साथ ही जो ट्रैफिक की वायलेशंस करते हैं उनके हमने 2,003 चालान किए हैं और 2,77,000 रुपये का फाइन हमने वसूल किया है। और इसके अलावा सरकार के बड़े सख्त निर्देश हैं और ज़रूरी भी हैं कि हर व्यक्ति जो दुकानदार हैं हमारे बाज़ार के, वो अपना भी टेस्ट करवाएं, क्योंकि ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं डेली, और अपनी दुकान के आगे वो गोले बनाएं जैसे हमने पहले बनाए थे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, मास्क लगा के रखें और ग्लव्स भी पहने ताकि अपने आप को सेफ कर सकें। और इसके साथ जैसे कि आज कुछ शादियों का सीज़न है तो हमारे एरिया में भी जैसे अभी तक तो ज़्यादा केसेस नहीं है, थैंक गॉड, लेकिन ये बढ़ सकते हैं लोगों की अपनी लापरवाही के कारण। तो शादियों के सीज़न में जैसे सरकार की जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो डायरेक्शंस हैं, कोई भी शादी में 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।